अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो रिकॉर्ड बॉन्ड के धब्बे पड़े हुए हैं, उस दांत को अरविंद केजरीवाल किस तरह के आरोप लगा के वो साफ करना चाहते हैं, तो जनता समझ चुकी है कि इस बार भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन कहां से पैसे कितने खा रहा है। अच्छा, पंजाब में तो 144 भी आपकी जेब में, कितने लाख आदमी वहां धरने बैठ गया। पश्चिम बंगाल में 144 भी आप ही लगाने वाले, वहां तो लगी नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस का, कर्नाटक, कहां क्रांति आई। दिल्ली में तो बता दिया गवर्नर है, एलजी है, इसलिए 144 लगा दी। नहीं वरना हम लोग क्रांति के लिए तैयार थे, क्रांति को ले आए थे, बस उतारने वाले थे सड़क पर, क्रांति चलो तब तक 144 लग गई। ये पेपर नहीं बेच पाए जिसपे अरविंद केजरीवाल के साइन हो, जब अरविंद केजरीवाल को डिपार्टमेंट ही नहीं है तो एक पेपर में साइन नहीं ढूंढ पाए अरविंद केजरीवाल। अच्छी बात, आप सही बोले, आप सही बोले, देखो साइन नहीं करते, आप सही बोले मोहम्मद तकी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, असली बात आप कही मोहम्मद तकी कि जब हमने जेब में पेन दिखाने के लिए रखा, अपने पास में मंत्रालय ने रखा, लेकिन इससे छूट नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी में है तो लोग पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी जानबूझ के ऐसा शो करते होंगे कि हम तो अब ऐसे हैं, वरना अंग्रेजी भी जानते, हिंदी भी जानते। एक मिनट भाई, एक मिनट। कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से बंधी होती है। आपके पास पेन है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता क्या? ऐसी ठगी फिर तो सब कर ले कि हमने तो कोई विभाग ही नहीं रखा, नहीं चलता भाई साहब, जेल फिर भी जाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि हम सबको पता है, दिल्ली वाले सर जी तो जेल की लंबी यात्रा पे निकल चुके हैं, लेकिन इनकी पार्टी में जो बचे कुचे छुट भैया नेता और प्रवक्ता बचे हैं, वो आजकल ये दम भर रहे हैं कि एक क्रांति आने वाली है। सड़कों पर की तो क्रांति पता नहीं दोस्तों, पर कल मैंने टीवी पर तो क्रांति देखी थी, मजा आया। इसी पर हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो इनके प्रवक्ता को क्रांतिकारी बनाया, आपको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तकी साहब, जजेस ने फाइल अपने चेंबर में देखी करीब 40 मिनट तक, ईडी के ऑफिशियल्स उनके साथ रहे फाइलों के साथ, क्योंकि जजेस ने कहा था अरविंद केजरीवाल को ना सही हमको दिखाइए, हम देखेंगे कि क्या है आपके पास। उसके बाद जजेस ने कहा कि आप अरविंद को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको किसी ने रोका तो नहीं, तो ईडी ने कहा कि जरूरत होगी तो गिरफ्तार करेंगे और रात में गिरफ्तार हो गए। इसकी एक व्याख्या यह भी होती कि जब जजेस ने फाइल देखी तो वो ईडी से यह भी कह सकते थे कि जो आपने दिखाया ये इतना पर्याप्त तो नहीं है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। तकी साहब, नहीं, फेयर एनफ। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो रिकॉर्ड बॉन्ड के धब्बे पड़े हुए हैं, उस दांत को अरविंद केजरीवाल किस तरह के आरोप लगा के वो साफ करना चाहते हैं, तो जनता समझ चुकी है कि इस बार भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन कहां से पैसे कितने खा रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जहां जहां ईडी के रेट पड़ी है, कुछ दिन बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी खरीदे गए हैं और सबसे ज्यादा बीजेपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसी बात सुनिए, वही बात ईडी की और अदालत की। अभी आप देखा था इससे पहले जब केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे 3-4 दिन पहले, वहां पे उनको जमानत दे दी गई थी, लेकिन जिस जज ने जमानत दी गई उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरह भी देखा आपने, जब हाई सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई जब फैसला सुना रहे थे किस तरह की बहस हुई। मोहम्मद तकी, एक मिनट रुकना होगा आपको। एक तथ्य आपने गलत दिया, वो तथ्य दुरुस्त कर दो फिर आपको पूरा एक मिनट और दूंगा। आपने तथ्य झूठ रख दिया, अरविंद को जो जमानत मिली थी 3 दिन पहले वो इस केस में नहीं मिली थी। तथ्य मेरे शो में बिल्कुल साफ रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ मुझे पसंद नहीं। वो जमानत मिली थी जब ईडी ने कहा कि ये हमारे नोटिसेस को डिफाई कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी बनती है इनकी इसी आधार पर। कोर्ट ने कहा ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, 15,000 रुपया जमा करिए और आगे से ऐसा मत करिएगा। ये शराब घोटाले में छुले जमानत नहीं मिली थी, ये घोर माठा नहीं करो महाराज ना, घोर माठा मत करो ना। अच्छा, हम करें जबरदस्ती कर दी अपने दांत धोने के लिए, ठीक है तकी साहब, बीजेपी ने अपने दांत धोने के लिए डॉक्टर बांड के अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अरे एक आखिरी सवाल बाबू, एक नहीं, अरे एक मिनट, ठीक है भैया, अरे एक मिनट रुक तो जाओ, आगे बात हम आपकी बात और कहते, दांत धुलेंगे नहीं कभी, ये कह रहे आप, स्थापित कर दी, मैंने बोल दी, अब तो रिकॉर्ड में आ गई। एक निवेदन मेरा था, क्या करोगे भैया, जेल में जो जो गया सो 13 महीना 24 महीना मतलब दापी देख ही रहे, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ठीक, क्या करेंगे फिर आप, क्रांति आई नहीं, क्रांति भी आ जाती तो हौसला बढ़ता,
कि दिल्ली के साथ सब तरफ वो हो गया। अच्छा अभी हमारे मित्र कह रहे थे जगदीश भाई कि 144 लगा दी थी पुलिस ने, नाकेबंदी कर दी। एक मिनट सवाल तो सुन लो भाई, हम तो आपके मित्र हैं यार, हम थोड़ी ना ईडी है जो हम पे चिल्ला रहे हो। अरे ईडी स्निप तो सुन लो यार। खैर पंजाब में तो 144 भी आपकी जेब में, कितने लाख आदमी वहां धरने बैठ गया। पश्चिम बंगाल में 144 भी आप ही लगाने वाले, वहां तो लगी नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस का, कर्नाटक, कहां क्रांति आई। दिल्ली में तो बता दिया गवर्नर है, एलजी है, इसलिए 144 लगा दी। नहीं वरना हम लोग क्रांति के लिए तैयार थे, क्रांति को ले आए थे, बस उतारने वाले थे सड़क पर क्रांति चलो, तब तक 144 लग गई। तो बंगाल में क्यों नहीं क्रांति उतार दी भैया तकी साहब, बोलो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। एक पेपर नहीं पेश कर पाए जिसमें अरविंद केजरीवाल के साइन हो, जब अरविंद केजरीवाल को डिपार्टमेंट ही नहीं है तो एक पेपर में साइन नहीं ढूंढ पाए अरविंद केजरीवाल। अच्छी बात, आप सही बोले, आप सही बोले, देखो साइन नहीं कर, आप सही बोले मोहम्मद तकी, ठीक है। पर्चा नहीं मिल रहा है, असली बात आप कही मोहम्मद तकी ने कि जब हमने जेब में पेन दिखाने के लिए रखा, अपने पास क्यों मंत्रालय ने रखा, लेकिन इससे छूट नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी में है तो लोग पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी जानबूझ के ऐसा शो करते होंगे कि हम तो अब ऐसे हैं, वरना अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता होगी और बाकी लोगों को भी, तकी साहब को भी, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से बंधी होती है। आपके पास पेन है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता क्या, ऐसी ठगी फिर तो सब कर ले कि हमने तो कोई विभाग ही नहीं रखा, नहीं चलता भाई साहब, जेल फिर भी जाना पड़ता है, ये ठगी नहीं चलती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा। आपकी कहने थोड़ी चलेगा कि नहीं नहीं हम राघव चड्ढा कह दिया कि केजरीवाल जी का कोई मसला नहीं, राघव चड्ढा कैसे चलेंगे क्या, ठीक। तो आप एलजी तकी साहब, एक मिनट स्थितर ही नहीं करो, एलजी के खिलाफ मुकदमा दायर करो, मैंने रोका, आप दायर करो, मैं वो एलजी के खिलाफ भी शो करूं। आप नहीं कर सकते दायर मुकदमा, हम आपकी भी वो जानते हैं ना, देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति भगत सिंह, आप फोटो लगा सकते हो भगत सिंह की, भगत सिंह हो नहीं दोस्तों मुझे समझ नहीं आता ये इतनी बड़ी बड़े दावे खर कैसे देते हैं लोग यार, भगत सिंह और इनका लेवल कुछ है नहीं क्या यार, भगत सिंह क्या थे, वो देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे थे और ये देश को लूट के खाने के लिए अपनी सत्ता पाने के चक्कर में, सत्ता पे टिके रहने के लिए जेल से भी अब ये कह रहे हैं कि सीएम हम ही बनेंगे। और जो इनके जो बचे कुचे नेता हैं जैसे राघव चड्ढा, वो बाहर गए हुए हैं फिलहाल कहीं जरूरी काम से, वो भी आने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी हालत क्या हो रही है। पर फिर भी प्रवक्ता का काम है भाई अपनी पार्टी की गाल बजाना। डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।